बैक टू माई YouTube चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ह्यूज दुपट्टा कलेक्शन। जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे डिफरेंट तरह के ड्रेसेस को डिज़ाइन करने का शौक है, इसी तरह से मुझे दुपट्टों को कलेक्ट करने का शौक है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस कलेक्शन को आपके साथ शेयर करूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको अपने इस दुपट्टे की डिटेल शेयर करती हूँ जो इस वक्त मैंने वीडियो में कैरी किया हुआ है। तो ये दुपट्टा जो है वो नेट के ऊपर बना हुआ है, और अगर आप इसके प्रिंट को देखें तो जैसा चुनरी स्टाइल प्रिंट नहीं होता, ये बिल्कुल उस तरह का इस दुपट्टे के ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है। बेसिकली मैंने एक लोकल मार्केट से परचेज़ किया था, और 2.5 गज़ पौने 3 गज़ मेरा दुपट्टे की लंबाई होती है, तो मुझे 500 रुपीज़ में ये पड़ा था। खुद तैयार करवाना पड़ा था, तो मैंने सिंपल इसकी साइड्स पर बेबी पीको करवाई थी, और एजेस के ऊपर जो है दुपट्टे की वहाँ पे मैंने लटकन लैस लगवा दी थी। तो इस तरह की कलेक्शन बेसिकली बहुत ही रेयर मार्केट में आती है, तो मुझे इस तरह ये बेसिकली कलर चाहिए था, तो मैंने ये परचेज़ किया। दरवाज़ इसके अंदर और भी बहुत से हसीन कलर्स थे जो कि मुझे दोबारा कभी नज़र नहीं। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मोस्ट फेवरेट दुपट्टा कलेक्शन। आप दुपट्टा चेक करें, माशाल्लाह कितना हसीन है। इसकी गोल्डन पट्टी जो है वो उसकी लुक को मज़ीद इन्हेंस कर रही है। दुपट्टा जो है वो बेसिकली लाइट और गेंजा के ऊपर है। इसके ऊपर ऑलमोस्ट एक ही प्रिंट दिया गया है, लेकिन इसके जो एजेस हैं वहाँ पर इसी तरह की गोल्डन पट्टियाँ दी हुई हैं जो कि इसकी लुक को मज़ीद इन्हेंस कर रही हैं। आप इसे समर्स में भी कैरी कर सकते हैं, आप इसे विंटर में भी कैरी कर सकते हैं। इसके अंदर जितने कलर्स हैं सब कलर्स के साथ ये जाएगा, ठीक है। और बेसिकली इसके सिर्फ एजेस नहीं बने थे, अदरवाइज़ दुपट्टा ऑलमोस्ट रेडी था। मैंने ये दुपट्टा जो है वो जीन से परचेज़ किया था। यहाँ पर इसकी प्राइस 2000 समथिंग लिखी हुई है, लेकिन मुझे ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिला था ओनली 1000 रुपीज़ में। तो मेरा तो जैकपॉट लग गया था, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट इसे फौरी तौर पे जो है वो खरीदा जाए। तो मेरा तो जैकपॉट लग ही गया था, साथ साथ दुकान वालों के भी वारे नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि मुझे ये वाला दुपट्टा भी पसंद आ गया था। और इसके पसंद आने की वजह क्या हो सकती है? सिर्फ इसका रंग, ठीक है। इसके कलर की वजह से जो है ना, मैं इस दुपट्टे के ऊपर फिदा हो गई थी। इसके अंदर सिंपल गोल्डन लाइंस जो है वो दी हुई हैं, ठीक है। और बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट सा इसका फैब्रिक था, आप समझ लें जैसे लॉन सिल्क नहीं होती, बिल्कुल वो वाला फैब्रिक था, ठीक है। और अगेन इसकी जो एजेस हैं, इसका जो एज के ऊपर बॉर्डर दिया हुआ था, इस तरह की गोल्डन जो है वो पट्टियाँ दी हुई हैं जो कि इसके दुपट्टे के अपने अंदर ही बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये इसकी लुक को मज़ीद इन्हेंस कर रही थी, बहुत ही समरी लुक दे रहा था। और ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है वो रीज़नेबल प्राइस में मिला। रेडी टू वेयर दुपट्टा है, चारों तरफ इन्होंने बेबी पीको की हुई है, मज़ीद इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये दुपट्टा भी जो है वो मुझे ऑलमोस्ट 900 समथिंग में पड़ा था, तो मेरे लिए तो ये बहुत रीज़नेबल था। तो इस वजह से जो है वो मैंने इसको भी परचेस कर लिया। जब आपने मुझे बताना है कि आपको जो है मेरा कौन सा दुपट्टा अच्छा लगा, पहला वाला अच्छा लगा या ये वाला अच्छा लगा, और मैंने सही किया ना कि मैंने ये वाला भी परचेस कर लिया, और आपके हर कलर्स के साथ ये इजीली जा सकता है। तो कहानी बस यहाँ पर ख़त्म नहीं। उसके अलावा मुझे एक और दुपट्टा पसंद आ गया था, और वो था ये वाला। यार माशाल्लाह माशाल्लाह, आप चेक करें कि कितना हसीन दुपट्टा है ये। अब कैसे कोई इसको देख के जो है वो अपना दिल फिदा इसके ऊपर ना करे, ठीक है। इसका प्रिंट चेक करें, लश पश माशाल्लाह ये दुपट्टा है, ठीक है। अब मुझे बस ये क्यों ना पसंद आता, इसका फैब्रिक जो है ना बेसिकली ये जैकवाट के ऊपर बना हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, और रेडी टू वेयर दुपट्टा है। चारों साइड्स के ऊपर इन्होंने जो है वो बेबी पीको की हुई है। 3000 समथिंग का दुपट्टा था, लेकिन मुझे जो है ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिला था। आई थिंक 1500 या 1600 का पड़ा था। तो मैंने कहा जी फौरी तौर पे जो है वो जेब को ढीला किया जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब इस तरह के दुपट्टे आप मार्केट में लेने निकलें, लिबर्टी मार्केट में जाएं, तो यही दुपट्टा आपको 3000 से नीचे का नहीं मिलता। तो ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा था, इस वजह से मैंने इसे भी परचेस कर लिया। नाउ प्रेजेंटिंग यू माई बॉम कलेक्शन। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप चेक करें ये कितना हसीन लग रहा है। बट दिस इज़ नॉट दुपट्टा, बेसिकली ये शॉल है, ठीक है, विंटर कलेक्शन के लिए है। और ये जो कलर था ना इस शॉल का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सबसे पहले जो है ना वो कलर देखती हूँ, कभी भी कोई भी चीज़ मुझे पसंद आती है ना, तो उसके कलर की वजह से वो मुझे अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो इसका कलर बहुत अच्छा था, विंटर कलेक्शन में से था ये, और रेडी टू वेयर है ऑलरेडी। और बेसिकली बहुत लाइट सा इसका फैब्रिक है, जैसे सिल्क टाइप है ना। आप इसको, मैं इसका क्लोजअप आपको करके दिखाती हूँ कि इसके ऊपर सारा सेल्फ प्रिंट हुआ हुआ है, ठीक है, जो दूर से जो बहुत ज़्यादा इसकी लुक को इन्हेंस कर रहा है, ठीक है। अगेन इसके अंदर जितने कलर्स दिए हैं, इन सब कलर्स के साथ ईजिली आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है जी बोनेंजा सतरंगी से, बहुत ही रीज़नेबल मुझे प्राइस में मिला था, बहुत बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिला था, ठीक है। ऑलमोस्ट इनका 50% ऑफ चल रहा था, तो यहाँ पर इनका 1980 समथिंग शो हो रहा है, तो ये मुझे पूरे 1000 के ऊपर जो है मैंने इसको परचेज़ किया था, पूरे 1000 का मुझे पड़ा था, ठीक है। तो मेरी तो ये जो है ना बेस्ट एवर कलेक्शन जो है मुझे मिल गई थी, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी ओवरऑल लुक भी दिखाती हूँ, तो आप ये भी चेक करें साथ साथ कि बहन ने इनको सेटिंग जो है वो कैसे आपको करके दिखाई। चोकर चेक करें, माशाल्लाह कितना हसीन लग रहा है इसके साथ।
तो यहाँ पर भी मेरे साथ ये हुआ था कि इस शॉल को देख के मेरा दिल पर शोरी हो गया था। मैंने कहा जी हूँ जी दिल पर शोरी हो गया, हूँ कुछ नहीं किया जा सकता, मैं इस शॉल नू लेना ही लेना है। तो आप देखें जरा, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी गार्डन में आ गई हूँ। इस शॉल को देख के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, ठीक है, पिशोरी भी हो गया था और गार्डन गार्डन भी हो गया था। तो आप इसकी कलर स्कीम चेक करें कि माशाल्लाह नेवी ब्लू और उसके अंदर ये पिंक कलर, तो मैं कैसे इसको छोड़ सकती थी यार, मुझे आप बताएं मैं कैसे इसको छोड़ती। ठीक है, फैब्रिक चेक करें, कंट्रास्ट चेक करें, ठीक है, ये भी बेसिकली शॉल है, आप उसे दुपट्टा कैरी करें, शॉल कैरी करें, वट एवर यू लाइक, आप उस अंदाज से इसको कैरी कर सकती हैं। तो बॉर्डर पट्टी जो उन्होंने दी हुई है बहुत ही हसीन है, बहुत ही रॉयल लुक इसको दे रही है, ठीक है। उसके अलावा आप इसका दुपट्टे का जो है ना वो बॉर्डर चेक करें, ठीक है, मुगले आजम की लुक दे रहा है, ठीक है। मुगले आजम आप पहन के इसको लगेंगे कि आप जो है ना मुगले आजम के दौर में चले गए हैं, ठीक है। तो ये भी रेडी टू वेयर है ऑलमोस्ट, और बनैजा सतरंगी से लिया था ये वाला भी मैंने, और बहुत लिमिटेड इनके कलर्स पड़े हुए थे, उनमें से जो बेस्ट एवर कलर्स थे ना वो ये वाले थे, ठीक है। ये भी मुझे पूरे 1,000 के अंदर पड़ी थी और बहुत रीज़नेबल थी मेरे लिए, तो बहुत रीज़नेबल थी क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा मार्केट सर्वे करती रहती हूँ, तो मुझे आइडिया है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ही नायाब है मार्केट के अंदर और हर जगह पड़ी हुई भी नहीं है, और अगर हैं तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं। और आप ये झुमके चेक करिए, मोरों को मैंने बड़ी मुश्किल से कैद किया हुआ था, इधर उधर भाग जाते थे, मैंने कहा तुम लोगों ने ज़रा टिक के रहना, मैं पहले वीडियो बना लूँ फिर तुम लोग भाग जाना। बई तुसी हुन जाना किथे नहीं गा, हजे भी मेरे दो दुपट्टे पए हैं विखाण वाले, ठीक है। हुन मैं तुहानू अपनी कलैक्शन विखा रही हूँ, निशात ले लैंदी, यस मैं कोई भी ब्रांड नहीं छड्डिया, जिथों मैनू चंगे दुपट्टे लभदे पए सी मैं क्या अज मैं आई हाँ तो दुपट्टे लैके जाने ने, ठीक है। अब उस दिन मेरे साथ हुआ सीन ये कि मैं लेने गई थी सूट, सूट मुझे अच्छे मिले नहीं, दुपट्टे मुझे अच्छे मिल गए सेल के ऊपर, मैंने कहा तो फिर ले ही जाओ, डर किस गल का है, ठीक है। दुपट्टे लवो सूट लवो, पहले दुपट्टे लै लो फिर सूट ले लो, बस तुसी असी यही काम करते रहना, ठीक है। तो ये वाला दुपट्टा देखें, ये भी बहुत हसीन दुपट्टा है माशाल्लाह, कलर इसका बहुत प्यारा है। एक मेरी सिस्टर ने लिया था, वो बेसिकली ब्राउन कलर के अंदर था, कंट्रास्ट सारा यही था। मैंने कहा कि एक ये वाला बच गया, मैंने कहा तो मैं ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है। तो मुझे रेड कलर ब्लैक कलर वैसे ही बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने ये वाला ले लिया। ये बेसिकली प्योर सिल्क का दुपट्टा है, ठीक है, और ये भी मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिला था, और तैयार मैंने इसको खुद कराया है, और इसके ऊपर बेसिकली ये जितनी चारों तरफ है ये मैंने रॉ सिल्क की इसकी पट्टी लगवाई है। इसके अलावा लेकिन पट्टी लगवाने के बाद मुझे आइडिया ये हुआ कि मैं इसको मुझे पट्टी नहीं लगवानी चाहिए थी, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना लाइट वेट दुपट्टा है कि पट्टी की वजह से ना ये बार बार नीचे ढलकता है। तो मेरे ख्याल से बेस्ट ये होता कि मैं चारों तरफ बेबी पीको कराती और इसको लहराती फिरती। एंड नाउ प्रेजेंटिंग यू अनदर दुपट्टा फ्रॉम निशात लीलन। यार ये कैसे हो सकता था, मैं एक जगह दुपट्टा लेने जाऊँ वहाँ मुझे दूसरा पसंद ना आए, तो मुझे जो है ना ये वाला दुपट्टे ने मुझे दूर दूर से इशारे किए, यार मुझे भी ले जा मुझे भी ले जा। तो मैंने कहा हाँ यार मैं तुम्हें ले जाती हूँ, ठीक है। तो मैं इसके पास गई तो मेरा दिल जो है ना इसके ऊपर फिदा हो गया, तो मैंने कहा यार इसको फटाफट जो है ना वो ख़रीद लेते हैं इससे पहले कि कोई और ख़रीद ले, और ये एक ही सिंगल पीस पड़ा हुआ था तो मैंने ले लिया। अच्छा मुझे आज से पहले कभी भी इस तरह से ना दुपट्टे अट्रैक्ट नहीं किए, शायद मुझे कभी नज़र नहीं आया या मुझे आइडिया नहीं था कि ये लोग इस तरह से दुपट्टे सेल करते हैं, सो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अदरवाइज़ उससे पहले ये होता था कि मैं खुद मार्केट से जाती थी, मार्केट में दुपट्टा लेना, उसको डाई कराना, लेसिस लगवाना, सारा कुछ ना, तो मेरा ये वाला एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। तो बेसिकली ये रॉ सिल्क का दुपट्टा है और मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिला था, ओनली 1200 रुपीज़ के अंदर, ठीक है। रेडी मैंने इसको खुद कराया, एग्जैक्ट कलर इसका जो है ना वो ये वाला है, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि शायद जो मेरा कैमरा है इसका एग्जैक्ट कलर जो है वो कैच नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खिलता हुआ इसका कलर था, और इसके अंदर ये जो उन्होंने लाइन्स दी हुई हैं, ठीक है, और इसके अंदर हल्का सा जो सेल्फ प्रिंट दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा हसीन लग रहा था। तो आप इसको किसी भी कलर के साथ कैरी करेंगे, ट्रस्ट मी ये हर कलर के साथ उठेगा। तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा दुपट्टा शॉपिंग का, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि आपको कौन सा दुपट्टा जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, और आपने मुझे ये भी बताना है कि मैंने दुपट्टे महंगे तो नहीं ख़रीदे, क्योंकि मुझे ये लगता है क्योंकि मैं मार्केट में बहुत ज़्यादा फिरती रहती हूँ डिज़ाइनिंग के लिए, चीज़ों के लिए, हर नई चीज़ जब भी मार्केट में आती है तो मैं जाके ज़रूर देखती हूँ कि कौन सी लेस आई हुई, कौन सा बटन आया हुआ है। तो मुझे तो ये बिल्कुल भी जो है वो महंगे नहीं लगे, बहुत रीज़नेबल लगे। कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।